नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। दलित नौकर ने जब अपने सवर्ण मालिक के अवैध और कानून के खिलाफ होने वाले कामों को करने से इनकार कर दिया तो मालिक ने खुन्नस निकालते हुए दलित नौकर को ही नहीं बल्कि उसके परिजनों और घर में आए रिश्तेदार को भी लाठी डंडों से पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। साथ ही जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गंदी गंदी गालियां भी दीं। पीड़ित की चीख पुकार सुनकर जब मोहल्ले वाले उसे बचाने आए तब कहीं जाकर मालिक का दिल भरा और वह वहां से भाग गया। उक्त वारदात के बाद जब पीड़ित ने डायल 112 को फ़ोन करके बुलाया तो पुलिस ने भी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय ललितपुर में पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में पीड़ित मुरारी पुत्र हलकाई बसोर निवासी ककड़ारी थाना कोतवाली तालबहट जिला ललितपुर ने बताया कि वह एक सवर्ण जाति के व्यक्ति के यहाँ मजदूरी करता था और उसने उस व्यक्ति के पास से मजदूरी सिर्फ इस बात को लेकर छोड़ दी थी कि उसका मालिक अवैध खनन का काम करता है। पीड़ित ने बताया कि विगत रोज मालिक उसके घर आया और उसने उसे अवैध काम करने के लिए कहा। पीड़ित ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि मैं कानून के खिलाफ कोई भी काम नहीं कर सकता, अगर कभी फंस गया तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। उस समय तो मालिक वहां से चला गया लेकिन बाद में कुछ लोगों को लाठी डंडों समेत लेकर पीड़ित के घर आ गया और पहले गंदी गंदी गालियां दीं तथा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग भी किया और बाद में लाठी डंडों से पीड़ित व उसके परिवार के लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। जब घर में मौजूद पीड़ित का बहनोई उसे बचाने आया तो उन्होंने उसके साथ भी मारपीट कर दी। पुलिस अधीक्षक ललितपुर के दिए प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि पीड़ित ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और झांसी मंडल के DIG को भी प्रेषित की है तथा पुलिस अधीक्षक से मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। किस चीज के प्रार्थना पत्र देने आई, क्या घटना घट गई? सर, हम लोग ग्राम ककड़ारी के हैं, तहसील तालबैठ है, जिला हमारा ललितपुर है। कल हमारे यहाँ हमारे देवर के लिए मारने आए तो हम लोगों को कोई पता नहीं था, ना हम लोग घर पे थे। अकेले में उन्होंने मारपीट की तो हम लोग ने 100 नंबर लगाया, मतलब 112 नंबर लगाया तो पुलिस वालों को बुलाया, जब वो हमारे यहाँ से भागे, नहीं तो वो कहीं नहीं निकलने दे रहे थे। मारपीट की, लाठी कुल्हाड़ी डंडे और धमकियाँ दी जब हम लोग घर पे नहीं थे, तो अकेले में हमारे मुरारी को मारा। और इसके बाद में उनके भाइयों ने, जो भगवत नारायण पस्तौर हैं वो हैं होमगार्ड, तो वो कहते हैं कि पुलिस हमारी बंधी हुई है, तुम क्या करोगे, DIG न जाओ चाहे कहीं भी जाओ, पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। और जो अजीत पस्तौर हैं वो अपने आप को मंडल अध्यक्ष बताते हैं, भाजपा के नेता बताते हैं, इसलिए वो बड़े दमंग हैं। और जो ट्रैक्टर है उनके पास में तो बालू और उसका मिट्टी बजरी खंडा खनन का धंधा करते हैं और हमारे आदमियों को मजदूरी के लिए ले जाते हैं, लेकिन मजदूरी मांगने पर दबाव डालते हैं कि साले जितना देंगे उतना लोगे, और रात में ले जाते हैं। जब हमारे देवर जगदीश ने मना किया कि हम नहीं जाएंगे, अगर कहीं पकड़े जाएंगे तो हम जेल चले जाएंगे, इस प्रकार से उन्होंने बोला कि साले नहीं जाओगे तो हम तुम्हें छकड़ी से मार देंगे। साहब, छकड़ी क्या होती है जो किसी को पता नहीं है। और साहब, बहुत हमारे बच्चे अभी घर पे हैं, हम लोगों को बहुत निकालने में परेशानी है। कल गए तो उन्होंने प्लांटेशन के बगल में हम लोगों को छेक लिया कि साले कहाँ गए थे, कोतवाली गए थे, हम मार के फेंक लेंगे। तो साहब, कल हम लोग भाग आए और भागते भागते जब हम आए तो कहीं हम लोग रास्ते में भी रुके और फिर अभी सुबह जैसे तैसे यहाँ पर आ पहुँचे हैं। श्रीमान जी से निवेदन है कि हमें इन लोगों से किस चीज़ में विवाद हो रहा है? विवाद हो रहा है कि मजदूरी करो हमारे यहाँ और तुम नीच जात हो, जाति सूचक शब्द बोलते हैं, कहते हैं साले तुम हमारे यहाँ नौकरी चाकरी करो, हम मंडल अध्यक्ष हैं, भाजपा की सरकार है, हमारी सरकार है। इसलिए सर, लॉकडाउन में बड़ा हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। सरकार से गुजारिश है कि सरकार हम लोगों की सुनवाई करे। और गांव की आप लोग कहां? हम लोग ग्राम ककड़ारी के हैं, तहसील तालबैठ। कैसे आई आप लोग वहां से? वहां से हम लोग चले आए साहब, रात में निकले थे तो कुछ दूर आधी देर गेल तक एक रास्ते में हम लोग रोड़ा में रुके थे रात में, और वहां से अभी सुबह चले। तो कैसे आई? पैदल चले आ रहे हैं साहब, रात में। उनका इतना दमंग है, चार पहिए की गाड़ी है, दोबारे खड़े किए हैं। अभी हमारी एक बहू घर पे है, उसने फोन किया था कि वो अभी यही है। आप लोग कहाँ की हो, कहाँ से आई, किस चीज का प्रार्थना पत्र देने आई, क्या है आप लोगों को दिक्कत? सर, ग्राम ककड़ारी से आई हुई है, जाति के वंशकार है अजीत पस्तौर, ज्यादा दमंगी से हम लोग होना जाए परेशान कर रहा है।
जबरदस्ती दबाव डाल रहा है, हमारे यहाँ मजदूरी करो नहीं जान से मार देंगे। और भाजपा का नेता है और उसका भाई तमंचा लेके आया था रिंकू कल्ले पस्तूर, पिताजी का नाम वर्मा। बजरी का ट्रैक्टर चलता है उनका, बोल्डर बालू बेचते हैं, इसलिए कोतवाली चौकी को सादे हैं। हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई, कल से आतंक मचा हुआ है, भूखे प्यासे घर में छिके हैं और पैदल चल के आए हम लोग। भगवत नारायण पस्तूर जी। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट।